OMG, इस बार का बिग बॉस सचमुच में दोस्तों 6 हफ्तों में जो फट 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 करके निपट रहा है ना, लिटरली दिल खुश हो रहा है। मतलब कि पहले ही दिन से भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मैंने आपको बताया पहले ही दिन की सबसे बड़ी लड़ाई जो है दिव्या अग्रवाल और प्रतीक सहजपाल के बीच में हुई, और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसी लड़ाई में शमिता शेट्टी ने भी जंप मार दी और शमिता शेट्टी ने भी अपना पारा खो दिया। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफाफूज में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक ट्विटर इंस्टा पे मौजूद हूं तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर दीजिए। शमिता का सबसे बड़ा इल्जाम प्रतीक सहजपाल जो है मुद्दे बनाकर आया है, और साथ ही साथ निशांत जो है वो इसीलिए साथ दे रहा है जस्ट बिकॉज उसको जो है अपना अलग दिखना है। निशांत बेसिकली प्रतीक का साथ दे रहा है। अब आप लोगों को बता दूं तो यहां पर बेसिकली खाने को लेकर हुआ डिस्कशन, और खाने को लेकर ही मुद्दा बनता है, हम सबको पता है। खाने की वेस्टेज को लेकर प्रतीक ने सवाल खड़े किया, जिस पर उन्होंने बोला कि जो बनाने वाले हैं उनको देखना चाहिए था, और बना रही थी दिव्या और शमिता, जिस पर हुआ हंगामा। और इसी हंगामे में शमिता इतनी अग्रेसिव हो गई थी कि वो एकदम एकदम बवाल पर आ गई, और बवाल पर आके वो तो अच्छा हो करण नाथ ने, राकेश ने जो है रोक दिया। अदरवाइज तो शमिता, मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बाहर जिस तरीके से उनके जीजू की स्क्रूटनी हो रही है, वैसे ही कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रतीक की स्क्रूटनी कर देती वो। खैर, वैसे प्रतीक इज अ स्मार्ट बॉय और उसने उस कॉन्वर्सेशन को जो है थाम लिया। लेकिन दोस्तों, प्रतीक और दिव्या का जो बाहर का मुद्दा है वो मुद्दा अब धीरे धीरे और अंदर बढ़ता जा रहा है, और यहाँ पर प्रतीक सहजपाल ने दिव्या अग्रवाल को, दिव्या ने बोला एक्चुअली रुक तू, वरुण आएगा ना तो उसको तब पता चलेगा। तो इसका मतलब क्या वरुण आने वाले हैं सच में? ये तो सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, यहाँ पर वरुण ने, प्रतीक ने बोला कि वरुण सूद जो है इज अ फक बॉय, मतलब वो म्यूट कर दिया गया बेसिकली। जिस पर दिव्या ने साफ बोला कि देख अभी बता रही हूं, तो उसको बोलेगा ना तो उसको यहीं चीड़ फाड़ दूंगी, राइट? ये बात बोलती है दिव्या अग्रवाल, और दिव्या अग्रवाल यहाँ पे बहुत गुस्सा दिलाती है, मतलब दिखाती है, सॉरी। अब देखते हैं कि प्रतीक सहजपाल सही है या फिर ये दिव्या, क्योंकि म्यूट कर देते हैं ना तो वो सुनाई नहीं देता कॉन्वर्सेशन, और जो एक घंटे का एपिसोड आएगा उसमें शायद आएगा। सो यस गाइस, फटाफट कमेंट करके जरूर बताएं आपका रिएक्शन। चलता हूं मैं।